नमस्कार, बड़ी खबर लखनऊ से है। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के इम्तिहान रद्द हो गए हैं कोरोना के चलते। बड़ा फैसला आईसीएसई बोर्ड ने लिया है। 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। 4 मई से 10वीं की परीक्षा शुरू होनी थी। बड़ी खबर, कोरोना के चलते आईसीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी है। 10वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होनी थी। बड़ा फैसला लिया है आईसीएसई बोर्ड ने। 10वीं के इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं कोरोना के चलते। बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं, अब 10वीं के इम्तिहान भी रद्द कर दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर आईसीएसई बोर्ड ने भी फैसला ले लिया है कोरोना के बढ़ते कहर के चलते, बढ़ते संक्रमण के चलते। बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं आईसीएसई बोर्ड की, और 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, 4 मई से शुरू होनी थी। बड़ी खबर, इस वक्त आईसीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द। अगली बड़ी खबर अमेठी से है। कोरोना संक्रमित डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत की खबर आ रही है। लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है। शागढ़ सीएससी अधीक्षक एलके साहू की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मेयो हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है। बड़ी खबर अमेठी से, शागढ़ सीएससी अधीक्षक एलके साहू की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मेयो अस्पताल लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है। कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत हुई है लखनऊ में इलाज के दौरान। खुद डॉक्टर थे, सीएससी के अधीक्षक थे, सुपरिटेंडेंट थे, इलाज चल रहा था लखनऊ में, कोरोना से संक्रमित थे, शागढ़ सीएससी अधीक्षक थे एलके साहू, मौत से उनकी हड़कंप मचा हुआ है। मेयो अस्पताल लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बड़ी भयावह और अफसोसनाक खबर एक और अमेठी से। लखनऊ के मेयो अस्पताल में डॉक्टर एलके साहू का इलाज चल रहा था। शागढ़ सीएचसी उसके अधीक्षक थे और हड़कंप मचा हुआ उनकी मौत के बाद से। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एक और बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर, मशहूर कवि वाहिद अली का निधन हो गया है। सुबह अचानक सांस लेने में दिक्कतें पेश आई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के मुताबिक हृदय गति रुकने से उनका इंतकाल हुआ है। मशहूर कवि वाहिद अली का निधन हुआ है लखनऊ में। हृदय गति रुकने से वाहिद अली वाहिद का निधन हुआ है लखनऊ में। एक और अफसोसनाक खबर, अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई सुबह। परिवार वालों का कहना है कि हृदय गति रुकने से उनकी जान गई है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। एक और बड़ी और अफसोसनाक खबर लखनऊ से। और अब आपको कोरोना के कहर की कहानी बता दें। पिछले 24 घंटे में 2,59,170 नए मामले सामने आए। 1761 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई। 1,54,761 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। दो लाख का आंकड़ा फिर एक बार पार हुआ है। 2,59,000 के पार पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट कोरोना की। 1761 लोगों की जान ली है कोरोना ने पिछले 24 घंटों में, और कुल केस आए हैं 2,59,000 से ज्यादा। 1761 लोगों की जान गई है। 1,54,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज किए गए हैं ठीक होने के बाद। कोरोना मीटर देख लीजिए आप, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल का 1,84,000 के पार, 13 को 1,61,000 के पार, 12 अप्रैल को 1,68,000 के पार। लगातार ग्राफ ऊपर ही गया है, बीच में 13 तारीख को छोड़कर और फिर आज की तारीख को छोड़कर, जिसमें पिछले 24 घंटे के मुकाबले में कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं थोड़े।
ये है कोरोना के आंकड़े, फिर से एक बार देखिए आप। 16 अप्रैल को 217,000, 17 अप्रैल को 234,000, 18 अप्रैल को 261,000, 19 अप्रैल को 273,000, लेकिन फिर 20 अप्रैल को 259,000। और अगली बड़ी खबर उड़की से, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन सख्त हो गया है। नारसन बॉर्डर पर लोगों की कोविड जांच जारी, दूसरे राज्यों से आने वालों की कोविड जांच की जा रही है। बॉर्डर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जा रही है। पॉजिटिव लोगों को बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। बड़ी खबर, नारसन बॉर्डर पर यह हो रहा है, दूसरे राज्यों से आने वालों की कोविड जांच की जा रही है। विनीत त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनीत, और क्या जानकारी है आपके पास इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरह से राज्य में लगातार जो कोरोना महामारी जो है बढ़ती जा रही है, तो उसके मद्देनजर जो है जो शासन से लगातार प्रशासन को गाइडलाइन जारी हो रही है उसका पालन कराने के लिए प्रशासन भी अब तक नजर आ रहा है। लगातार बॉर्डर पे जो है कोविड जांच तो की जा रही है, लेकिन अब जो बसों में यात्री आ रहे हैं उनको उनका भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, और जो कोई लोग पॉजिटिव वहाँ पे पाए जा रहे हैं उनको बॉर्डर से ही वापस किया जा रहा है। तो पूरी तरह से अब जो प्रशासन है वो सतर्क हो चुका है, क्योंकि लगातार राज्य में कोरोना महामारी के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। फिर तो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जा रही है बॉर्डर पर, नारसन बॉर्डर पर रुड़की में, ताकि राज्य में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनके अगर वो संक्रमित है तो उन्हें रोका जा सके और प्रदेश के अंदर बढ़ रहे संक्रमण को रोका जा सके। बड़ी खबर इसी बीच में गोरखपुर से, सस्पेंडेड डॉक्टर कफील खान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री से अपना निलंबन समाप्त करने की मांग की। पत्र में लिखा गया है, संकट की घड़ी है, शायद मेरा अनुभव कुछ जिंदगियां बचा पाए, कोरोना महामारी में देश सेवा का मुझे एक मौका दिया जाए। बड़ी खबर गोरखपुर से, डॉक्टर कफील खान सस्पेंडेड हैं। ऑक्सीजन प्रकरण में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उनका नाम सामने आया, मामला उन पर लगा, जेल में भी गए, सस्पेंडेड है फिलहाल, एनएसए लगा, बाद में कोर्ट ने हटाया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से अपना निलंबन वापस लेने के लिए पत्र लिखा है और लिखा है कि शायद उनके अनुभव का लाभ देश को मिले इस संकट की घड़ी में। पत्र का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर, पत्र में लिखा है कि संकट की घड़ी में शायद मेरा अनुभव कुछ जिंदगियां बचा पाए, डॉक्टर कफील खान, क्या उनके इस पत्र का असर होगा? नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। नीरज, इस पत्र में और क्या लिखा गया है दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, 17 तारीख का ये पत्र लिखा गया डॉक्टर कफील खान की ओर से, और ये बाकायदा उनको मेल मुख्यमंत्री के पोर्टल पर मेल भी किया गया है, और मांग की गई है कि 15 वर्षों का उनका अनुभव है और वो लोगों की जिंदगी इस महामारी में बचाना चाहते हैं, और उनके साथ से जो भी डॉक्टर रहे हैं, जो भी चिकित्सक रहे हैं, उनका निलंबन खत्म कर दिया गया और वो उनको सेवा के लिए लौटा दिया गया, इस वजह से उनको भी अवसर दिया जाए कि इस महामारी में वो जो नागरिक हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सेवा कर सकें। और एक खास बात भी उन्होंने लिखा इस पत्र में कि अवसर प्रदान करें महामारी में, और रोकथाम के बाद अगर वो चाहें तो पुनः उन्हें निलंबित कर दिया जाए, लेकिन एक अवसर दिया जाए और वे उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जीवन भर उनके आभारी भी रहेंगे। तो ये खास पत्र है डॉक्टर कफील खान की ओर से, जो ऑक्सीजन कांड के में आरोपी रहे हैं और अभी भी वो निलंबित चल रहे हैं। राजेंद्र, आपने बड़ी खबर दी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर के लिए। पत्र में लिखा गया है कि अगर महामारी का संकट समाप्त हो जाए तो उसके बाद वो चाहें तो दोबारा उन्हें निलंबित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से इस वक्त हमारे पास है, महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान बचा है, लेकिन इस बीच एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग अखाड़ों के 11 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और इतना ही नहीं, एक संत की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। कहा जा रहा है कि 70 साल के एक संत को आईसीयू बेड नहीं मिला और इसके चलते उनकी जान चली गई। निरंजनी अखाड़े के 6 संत, जूना अखाड़े के 3, आनंद अखाड़े और बड़ा उदासीन अखाड़े के 1-1 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरिद्वार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया,
हरिद्वार कुंभ में ड्यूटी दे रहे हर अधिकारी और कर्मचारी को उनकी कोरोना जांच होगी। इसको लेकर हरिद्वार के डीएम ने यह सर्कुलर जारी किया है, साथ ही सभी विभागों में सूची बनाने के भी निर्देश दिए गए। इस लिस्ट में अखाड़ों के सभी संतों को भी शामिल किया गया है, साथ ही कुंभ के दौरान कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों की भी आरटीपीसीआर जांच के निर्देश दिए गए। इसके अलावा हरिद्वार में 21 अप्रैल को रामनवमी का स्नान है, इसको लेकर जिला प्रशासन की व्यवस्था पूरी है ऐसा दावा है, और इसके लिए मेला क्षेत्र को सुपर जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ऐसे में मेला प्रशासन के सामने रामनवमी, देव डोलियों का स्नान, चैत्र पूर्णिमा और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को सकुशल संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है। सन्यासी अखाड़ों की ओर से कुंभ समापन की घोषणा के बाद संतों में भी तकरार जारी। निरंजनी और जूना अखाड़ों की ओर से कुंभ समापन की विधिवत घोषणा करने के बाद हरिद्वार में डेरा जमाए बैठे तमाम संत नाराज हैं। उनका कहना है कि कुछ अखाड़े मिलकर कुंभ के समापन की घोषणा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह धर्म से जुड़ा मामला है, और साथ साथ बैरागी कैंप क्षेत्र में जमी कई छावनियां अभी उठनी शुरू हो चुकी। हालांकि कई छावनियों में अभी भी भजन कीर्तन जारी है, लेकिन वहां पर भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही। सभ्यता एवं संस्कृति को धरकर तो देखा जाए तो तीनों शाही स्नान तो होना चाहिए। जैसे सन्यास परंपरा में तो उनके स्नान हो गए हैं, और लेकिन वैष्णव के स्नान होने के हैं। अभी केवल मात्र दो स्नान हो गए हैं, तीसरा 27 का स्नान बाकी है। और शास्त्र सम्मत तो जब भी ये होता है तो स्नान होना जरूरी है। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मसूरी के सरकारी अस्पताल में आईसीयू सेवा को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मसूरी के उप जिला अस्पताल में आईसीयू को बहुत जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होने के कारण आईसीयू लोकार्पित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स के लिए NHM के माध्यम से स्वीकृति ले ली जाए ताकि आईसीयू को प्रारंभ किया जा सके। ONGC के माध्यम से अस्पताल को उपकरण खरीद हेतु धनराशि की जानकारी देते हुए मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ONGC CSR मद से धनराशि देने को तैयार है, किंतु अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। मसूरी अस्पताल में पार्किंग निर्माण के लिए CMO को तत्काल पत्राचार करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2160 नए मामले सामने आए, और वहीं सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में कुल कोरोना के 1,26,193 केसेस सामने आए। एक्टिव केसेस की बात करें तो उत्तराखंड में 18,864 कोरोना के केसेस हैं, वहीं 25,743 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सके। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी उत्तर प्रदेश सरकार। अब से कुछ ही देर के बाद सॉलिसिटर जनरल राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस की बेंच में यह मामला रखेंगे। हाईकोर्ट ने कल राज्य के 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश दिए थे। इसी आदेश को चैलेंज कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में, और थोड़ी ही देर में सॉलिसिटर जनरल भारत के ये मामला रखेंगे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने। बड़ी खबर दिल्ली से, अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको?
डॉक्टर राजेंद्र अगर बात करें तो कल जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाए, उसके बाद अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कुछ देर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में ये मामला रखेंगे और बताएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना की तैयारियां हैं और लॉकडाउन की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका जो है रोजाना काम करने पर ही आश्रित है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन न लगाया जाए, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क होगा। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ निर्णय देता है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो बड़ी खबर यह है कि सॉलिसिटर जनरल राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखेंगे, तर्क होगा आजीविका बचाने का, तर्क होगा बगैर लॉकडाउन के स्थितियों को काबू में कर सकने की क्षमता को साबित करने का कोर्ट के सामने। 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश कल दिए थे हाईकोर्ट ने, उसी को चैलेंज करेगी थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश की सरकार।